ईश्वर ही है और है कौन। लोगों को पैसा पाने में मदद करूंगा, लोगों को स्वास्थ्य पाने में मदद करूंगा, लोगों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करूंगा, लोगों को प्रेम प्राप्त करने में मदद करूंगा। यानी आपकी अवस्था कौन सी है? सोर्स की। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे। विश्व शांति प्रार्थना। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं, सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है, डिवाइनली डिज़ाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है, हर जानवर हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है, मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने, जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता, ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत द्वेष घृणा डर समाप्त हो जाए,
ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहां तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर।
प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। बारह का महत्व आपको बताया और अब दो रास्तों को भी हम समझें। पहला रास्ता क्या है? फ्लो का। दूसरा रास्ता क्या है? फाइट का। फ्लो, फाइट। अब ये शब्द समझ में नहीं आए हो तो हम दूसरे शब्द इस्तेमाल करेंगे। एक रास्ता है सोर्स का और एक रास्ता है चैनल का। ये भी समझ में नहीं आया तो एक रास्ता है बीइंग का, बीइंग यानी होना, और एक रास्ता है डूइंग, करने का। ये भी समझ में नहीं आया तो समझो एक रास्ता जो है जिसमें आप चेतना में बहते हो, चेतना में बहते हो, और एक रास्ता है जिसमें आप चेतना में संघर्ष करते हो। पानी बह रहा है नीचे की तरफ, समुद्र की तरफ, और आप ऊपर की तरफ तैर रहे हो, तो ये दूसरा रास्ता। एक है फ्लो, एक है फाइट, दो रास्ते। एक सोर्स, सोर्स यानी आप सोर्स बनकर जीते हो, सोर्स यानी स्रोत, स्रोत बनकर जीते हो। आपको पैसे की कमी है, आपको स्वास्थ्य की कमी है, आपको प्रेम की कमी है, तो आप कैसे जीते हो? मैं दूसरों को प्रेम दूंगा, यानी आप बन गए सोर्स, यानी आप बन गए स्रोत, यानी मैं इस चीज के लिए निमित्त बनूंगा, मैं ये चीज दिलाऊंगा लोगों को, लोगों को पैसा पाने में मदद करूंगा, लोगों को स्वास्थ्य पाने में मदद करूंगा, लोगों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करूंगा, लोगों को प्रेम प्राप्त करने में मदद करूंगा। यानी आपकी अवस्था कौन सी है? सोर्स की। अब अगर सोर्स बन गए तो आपके पास ये चीजें आने ही वाली है। पहला तरीका क्या है कि आप सोर्स बन जाओ, जो चीज चाहते हो जीवन में उसका सोर्स बन जाओ। वाटर टैंक होती ना, उसमें पानी रहता है, नल से पानी जाता है। वाटर टैंक क्या है? सोर्स। तो आप कहेंगे मेरे पास नहीं तो मैं कैसे दे सकता। यही तो समझ में नहीं आता, इसलिए इस रास्ते पर लोग नहीं चल पाते। जब तक ये बात पकड़ में आए तब तक आप श्रवण जारी रखेंगे तो ये समझ में आएगा। सोर्स बनकर जो चीज़ हम चाहते हैं लोगों को पाने में मदद करें। स्वास्थ्य पर आपको जानकारी है तो आप किसी को बताते हो कि इस तरह करने से तुम्हारा स्वास्थ्य बढ़ सकता है। जिस चीज़ के लिए आप निमित्त बने वो तो आपको मिलने ही वाली है, क्योंकि आप ओपन हो गए उस चीज़ के लिए, उस चीज के लिए खुल गए। अगर आपके विचार है मेरे पास ही नहीं है, मेरे पास ही नहीं है, नहीं है, नहीं है के विचार आपके पास आने वाली चीजों को रोकते। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।